हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग आई होप यू विल बी फाइन टुडे वी विल स्टार्ट साइंस चैप्टर नंबर वन फूड एंड इट्स सोर्सेज देखो जो हमारा फूड है और उसके सोर्सेज ऑल लिविंग थिंग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन बींग्स नीड एनर्जी टू लिव एंड ग्रो देखो हर एक जितना भी जितने भी जिंदा चीज़ है जैसे कि प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं ह्यूमन बींग्स हैं उन सबको क्या चाहिए एनर्जी चाहिए जिससे कि वो ग्रो कर सके और जिंदा रह सके दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वो एनर्जी कहाँ से मिलती है उनको फूड से दस फूड एक्ट एज अ फ्यूल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड हेल्प टू देम टू डू वेरियस डे टू डे एक्टिविटीज़ एफिशेंटली देखो जो हमारा फूड होता है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज़म का क्या है फ्यूल है ठीक है जिससे कि वो अपनी डे टू डे की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें डू यू फील लाइक प्लेइंग और डूइंग योर होमवर्क वैन यू आर हंग्री देखो जिस टाइम पे आप खेलते हो या फिर होमवर्क वगैरह करते हो तो आपको फील होता है कि जैसे कि आपको भूख लगनी शुरू हो जाती है वी कैन बी एक्टिव ओनली वैन वी आर हेल्दी देखो हम कब एक्टिव रहते हैं जब हम हेल्दी रहते हैं रेगुलर मील एक्सरसाइज रेस्ट हेल्प इन कीपिंग आवर बॉडी हेल्दी देखो अगर हम प्रॉपर फूड ले रहे हैं रेस्ट कर रहे हैं प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहेगी वाई इज फूड सो इम्पोर्टेंट टू द बॉडी देखो जो हमारा फूड है वो हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है किस लिए जरूरी है जिससे कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके हमारी बॉडी जो है ग्रो कर सके वो हमारी बॉडी की जो भी एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म कर सके फूड कंटेन्ट सब्सट कॉल न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प अस टू हैव अ हेल्दी बॉडी देखो जो हमारा फूड है उसके अंदर कुछ सब्सटांस पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स जिससे कि हमारी बॉडी को हेल्थी बनाते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन विटामिन ये हमारे क्या है फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं तो फंक्शंस ऑफ फूड फूड के क्या फंक्शंस होते हैं इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी हमारे जो फूड है वो हमारी बॉडी के एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे कि हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो सके इट हेल्प द बॉडी टू ग्रो एंड रिप्लेस वॉर्न आउट सेल्स जो हमारा फूड है वो हमारी बॉडी को ग्रो करता है और जो हमारे पुराने सेल्स हैं उनको रिप्लेस करता है इट प्रोटेक्ट्स इट प्रोटेक्ट्स अ बॉडी फ्रॉम वेरियस डिसीज एंड हेल्प इट फिट एंड हेल्दी जो हमारे फूड होता है वो हमारी बॉडी को डिसीज से प्रोटेक्ट करता है और हमारी बॉडी को हेल्दी बनाता है डिट पीपल ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू दियर हैबिट्स लाइफ स्टाइल टेस्ट एंड अवेलेबिलिटी देखो हर एक जो इंसान होता है वो अलग अलग टाइप का फूड खाता है जो उसकी हैबिट्स होती है जिस टाइप के वो लाइफ स्टाइल में रहता है उसको जिस तरह का टेस्ट पसंद है ह्यूमन बींग्स आर ओनीवर्स विच मीन वी ईट बोथ ऑब्टेन फ्राम प्लान्ट एज वेल एज फ्राम द एनिमल्स देखो जो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं इंसान हैं वो सब क्या है ओमनी वोर्स है क्यों क्योंकि वो दोनों चीज़ खा सकते हैं प्लांट्स के प्रोडक्ट को भी और एनिमल्स के प्रोडक्ट को भी ऑन दिस बेसिस पीपल आर क्लासीफाइड एज वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन जो पीपल होते हैं वो टू कैटेगरीज में डिवाइड हुए वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन कौन होते हैं वेजिटेरियंस ई ईट ओनली प्लांट्स प्रोडक्ट और प्लान पार्ट जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं और प्लांट्स के पार्ट को खाते हैं उसको बोलते हैं वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन ईट प्लांट्स एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट सचैज मीट फिश एक्सेट्रा जो दोनों चीज़ खाते हैं मतलब प्लांट्स के प्रोडक्ट तो खाए गए उसके साथ साथ वो एनिमल प्रोडक्ट ज़्यादा खाए उनको बोलेंगे नॉन वेजीटेरियन तो डिफरेंट काइंड ऑफल डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आर ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया लाइक साउथ इंडियन साउथ इंडिया फूड गुजराती फ़ूड राजस्थानी फ़ूड पंजाबी फूड बंगाली फ़ूड महाराष्ट्रियन फूड एक्सेट्रा देखो हर एक जो लोग होते हैं वो डिफरेंट रीजन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ़ूड खाते हैं जैसे गुजरात के लोग किस तरह का खाएंगे फूड लेंगे गुजराती फूड राजस्थान के जो लोग होते हैं वो क्या राजस्थानी फूड पंजाब के जो लोग हैं वो पंजाबी फूड ये सब खाएंगे अब देखिए इंग्रेडिएंट्स इन द फूड आइटम्स जो हमारे फूड के अंदर जो मिली हुई चीज़ें जैसे कि उनको क्या बोलेंगे इंग्रेडिएंट्स यू मस्ट हैव सीन योर मदर क्विकली जॉटिंग डाउन द मेटीरियल रिक्वायर टू प्रिपेयर डिश फ्रॉम अ कुकरी शो ऑन टी वी द मेटेरियल्स यूज टू प्रिपेयर एनी फूड आइटम्स आर कॉल इनग्रेडियंट्स देखो आपने अगर नोटिस किया होगा अपनी मदर को अगर वो कुछ खाना बना रही है तो बहुत सारी चीज़ें डालती है आप एक जैसे कि कुछ भी फूड बनाना है तो उसमें जो भी चीज़ें डलती हैं तो उनको क्या बोलते हैं इंग्रेडियंट्स जैसे कि सॉल्ट चिली uh, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो जो भी उसमें चीज़ें डलेंगी फूड में वो क्या है इंग्रेडिएंट्स मोस्ट ऑफ़ द आइटम फूड आइटम्स दैट वी ईट आर मेड फ्रॉम मोर देन वन इंग्रेडिएंट वन इन्ग्रीडियंट्स ज़्यादातर जो हमारा फूड होता है जो अभी हम बनाते हैं फूड उसमें क्या होता है एक से ज़्यादा इन्ग्रीडियंट्स पाए जाते हैं जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पुलाव इज मेड फ्रॉम राइस वेजिटेबल्स स्पाइसिस ऑयल वाटर सॉल्ट एंड सो ऑन, जैसे कि एक पुलाव होती है अगर तो वो चावल की बनेगी उसमें सब्ज़ी भी डलेंगी उसमें मसाले भी डलेंगे तेल भी डलेगा पानी ये सब चीज़ नमक वगैरह सब कुछ डलेगा तो ये सब क्या है जो इसमें नमक तेल मसाले वो सब चीज़ डल रहे हैं ये सब क्या है इंग्रेडियंट्स हैं नोटिस दैट वी गेट मोस्ट ऑफ द इन्ग्रेडियंट्स टू मेक फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स ज़्यादातर आपने देख, आपने देखा होगा जो भी हमारे फूड के अंदर इन्ग्रेडियंट्स डलते हैं वो सब कहाँ से मिलते हैं मैंने हमें प्लांट्स हैं और एनिमल्स है वी गेट वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द अर्थ सिर्फ हमारे पास वाटर और सॉल्ट एक ऐसे इंग्रेडियंट्स है जो हमें अर्थ से, से. से मिलते हैं ज़मीन से लेकिन ज़्यादा मोस्ट ऑफ द इन्ग्रेडियंट्स वो कहाँ से मिलते हैं मैंने प्लांट्स और एनिमल्स हैं प्लांट्स एज सोर्स ऑफ फूड जो हमारा प्लांट्स होता है वो ज्यादातर हमारे फूड का सोर्स होता है मतलब मोस्टली जो हम अपने घरों में जो भी हम फूड लेते हैं मतलब मोस्टली वो क्या है प्लांट प्रोडक्ट होता है वी ईट वेजिटेबल्स फ्रूट्स पल्सिस सीरियल्स विच आर ओबेन फ्राम डिफरेंट पार्ट प्लांट पार्ट्स देखो जैसे कि हमारे वेजिटेबल्स ये सब जो आपको एग्जांपल दिए हैं ये सब क्या है हमारे प्लांट के पार्ट से मिलता है पार्ट्स ऑफ प्लांट विच कैन बी ईटन रॉ और इन कुक फॉर्म आर कॉल्ड एडिबल पार्ट्स जो हमारा प्लांट का या तो हम उसको कच्चा खा ले या फिर उसको पका के खा सकते हैं जिस वाले पार्ट को उसको क्या बोलते हैं एडिबल पार्ट क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्लांट के पार्ट होते हैं जो हमारे नॉन एडिबल पार्ट होते हैं मतलब जहरीले होते हैं हमारी बॉडी के लिए तो जो हमारे लिए यूजफुल पार्ट होते हैं प्लांट्स के उनको क्या बोलते हैं एडिबल पार्ट डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट एडिबल पार्ट हर एक प्लांट के अलग अलग एडिबल पार्ट होते हैं द एडिबल पार्ट कैन बी ग्रुप्ड इनटू रूट्स स्टेम लीव्स फ्लावर फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड सीड देखो जो प्लांट्स के जो एडिबल पार्ट होते हैं वो कुछ का रूट होता है एडिबल पार्ट कुछ का स्टैम होता है लीवस ये सब द कामली ईटन प्लाट पार्ट्स आर द सीड लाइक मेज़ वीट फैन्योगी क्यूमिन एंड नच्स देखो जो हमारे सीड्स होते हैं वो हम ये सब खाते हैं ये मोस्टली उसके बाद फ्रूट जो हैं वो हम क्या खाते हैं पपाया ग्रेप्स एप्पल लीव और जो लीवस खाते हैं हम लाइक लीटू स्पंज एंड कैबेज और जो हम रूट खाते हैं प्लांट्स की वो कौन कौन सी है कैरेट बीट रूट्स वी ऑल्सो ईट द स्टेम ऑफ मेनी प्लांट्स लेकिन हम बहुत सारे प्लांट्स के स्टेम भी खा पाते हैं जैसे कि शुगर केन पोटैटोज अनियन जिंजर देर आर ऑल्सो फ्यू एडिबल लीव्स स्टॉक सच एज कलेरी देखो हम ऐसे बहुत सारे एडिबल लीव्स खाते हैं क्लैरी uh, किसको बोलते हैं जो हम सैलिड वगैरह में यूज करते हैं जो लीव्स एज वेल एज सम एडिबल फ्लावर लाइक कॉलीफ्लावर ठीक है ऐसे हमारे बहुत सारे फ्लावर भी होते हैं कॉलीफ्लावर अब देखिए क्या है हमारा प्लांट प्रोडक्ट था अब देखिए एनिमल के प्रोडक्ट एनिमल्स एज अ सोर्स ऑफ फूड के एनिमल्स से हमें क्या क्या फूड मिलता है बिसाइड मिल्क मी एनिमल मीट एंड एग आर यूज एज फूड देखो जो हमारे एनिमल का जो मिल्क होता है मीट होता है एग वो सब हमारे फूड में यूज़ होता है मिल्क इज ऑबटेन मेनली फ्रॉम द बफ़ेलोज काऊ एंड गॉट देखो जो हमारा मिल्क होता है वो हम किस से लेते हैं बफेलो से काउ से गोट से पीपल लिविंग इन डेजर्ट यूज एज कैमल मिल्क लेकिन जो डेजर्ट वगैरह में रहते हैं जैसे कि यहाँ पे रेग, रेगिस्तान वगैरह में जो रहते हैं वो कैमल का मिल्क ले लेते हैं वेल दो लिविंग क्लॉज टू द एंटार्टिका रीजन यूज एज मिल्क ऑफ रेनडियर लेकिन जो Uh, कहाँ पर रहते हैं एरेक्टिक रीजन में वो किसका मिल्क लेते हैं रेनडियर का फूड आइटम्स ओप्टेन फ्रॉम एनिमल्स कंटेन प्रोटीन फैट्स विटामिन एंड मिनरल्स जो हमारा एनिमल के अंदर जो uh, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो क्या होते हैं उनके अंदर रीच सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं प्रोटीन्स फैट्स विटामिन और मिनरल्स मिल्क आल्सो कंटेन लैक्टोज अ काइंड ऑफ शुगर जो मिल्क होता है वो थोड़ा थोड़ा सा अगर आपने देखा होगा आपको थोड़ा सा मीठा लगता है तो उसके अंदर कौन सा शुगर पाया जाता है लैक्टोज मतलब थोड़ा कम क्वालिटी में पाया जाता है अब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा मीठा लगेगा आपको वी मेक मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम मिल्क लाइक बटर चीज़ क्रीम कर्ड एंड पनीर देखो आप मिल्क से बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं जैसे बटर है चीज़ है क्रीम है ये सब दीज प्रोडक्ट्स आर कॉल दीज प्रोडक्ट्स आर कॉल डेरी डेरी प्रोडक्ट जो हमारे ये मिल्क से जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं उनको क्या बोलेंगे हम डेरी प्रोडक्ट अब देखिए हनी इज मेड बाई बीज फ्राम दैकटर अ स्वीट लिक्विड ऑफ फ्लावर्स जो हमारा हनी होता है शहद वो कौन बनाते हैं बीज मधुमक्खी है जो Uh, और वो कहाँ से बनाते हैं जो फ्लावर का जो नेक्टर होता है ना जो लिक्विड होता है जो फ्लावर के ऊपर जो अंदर रस होता है उसको वो सक करती हैं इट इज़ रिच इन शुगर एंड हैज सम एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ वो किस तरह के नेचर होता है उसका शुगर नेचर होता है हनी का आपको पता है और उसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रोटीन्स प्रॉपर्टीज होती हैं मतलब बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है हमारे लिए आई होप आपको समझ आया सब कुछ